सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो एडवोकेट ममता मैम हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई का जो पीआईएल थी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर अब क्या होगा, तो ममता शर्मा मैम ने बताया कि अगर कोविड की सिचुएशन ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात बनते हैं, तो हो सकता है कि जो पीएम है वापस से सुप्रीम कोर्ट को इस केस के बारे में बात करने पे मजबूर करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेन मतलब जो रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल हो जाए, मतलब जो ये पीआईएल रिजेक्ट हुई इसको वहाँ पर रिव्यू करने पर पिटीशन फाइल हो जाए। तो मैम ने ये बताया है। वैसे ममता मैम ने ये बोला कि अभी तो इसके चांस नहीं है, बट अगर फ्यूचर के अंदर हालात बिगड़ते तो इसके चांस है। तो गाइस देखो, अभी तो आप सभी स्टडीज़ करो, देखो अब हालात कैसे होते आने वाले कुछ महीनों में पता लग जाएगा। बट आप सभी को यही बोलूँगा कि आप स्टडी करो, क्योंकि अब टाइम कम है। इन चीज़ों पर अगर ध्यान दोगे तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोग स्टडी पे फोकस कर पाओगे। तो स्टडीज़ करो, वही इंपॉर्टेंट। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके काम की तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। तो अपने फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसिंग कैपे रहो, सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।